हाय गाइस, आप सबका मेरी चैनल स्ट्रीट टॉक्स पर स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ भारत की पहली महिला IAF पायलट गुंजन सक्सेना के बारे में। मैं उनके ऊपर 10 फैक्ट्स बताऊंगी जो कि सबको जानना चाहिए। आप में से बहुत लोग नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई गुंजन सक्सेना की मूवी तो देखे होंगे, पर मैं आज यहाँ उनके लाइफ के बारे में कुछ बातें करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, 1975 में एक आर्मी फैमिली में गुंजन सक्सेना की जन्म हुई थी, सो उन्होंने भी बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करने की सोची। नंबर 2, स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो ग्रेजुएशन कर ले दिल्ली गई थी। वहाँ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में सफदरजंग फ्लाइंग क्लब से बेसिक टिप्स लेना शुरू कर दी। नंबर 3, 1994 में गुंजन उन 25 महिलाओं में शामिल थी जिन्हें भारतीय वायुसेना ने पहली भारतीय ट्रेनी महिलाओं के तौर पर चुने थे। नंबर 4, 1996 में गुंजन ने IAF ज्वाइन किया। नंबर 5, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ कारगिल वॉर में गुंजन ने लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन के साथ भारतीय सेना के दो बड़े ऑपरेशंस ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दी। नंबर 6, युद्ध के दौरान उन्होंने घायल भारतीय सैनिकों के लिए खाने पीने के सामान की सप्लाई और हॉस्पिटल पहुंचाने में अहम योगदान दिया। पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर नजरदारी करने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। नंबर 7, गुंजन एक छोटे से चीता हेलीकॉप्टर को उड़ाती थी जहां डिफेंस के नाम पर सिर्फ INSS राइफल और एक रिवॉल्वर था। इसके बावजूद भी गुंजन ने उत्तरी कश्मीर के इलाके में कई उड़ानें भरी। पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखने के कारण उनको बहुत बार पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास से उड़ना पड़ता था। स्ट्रिंग मिसाइल जो कि कंधे पर रखकर भी ऑपरेट होता है वो था पाकिस्तान के पास। ऐसे में एक बार दुश्मन के मिसाइल उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर दागा गया था और गुंजन के स्किल्स के कारण पाकिस्तान का निशाना चूक गया था। नंबर 8, ये एक चैलेंज था एक चीता हेलीकॉप्टर को उतना हाइट पे उड़ाना जहां हर एक इंडियन हेलीकॉप्टर्स पे पाकिस्तान की सेना मिसाइल्स और बुलेट्स मार रहे थे। गुंजन की इसी काम के लिए उनको शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित करा गया था और ये पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बनी गुंजन सक्सेना। नंबर 9, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल 7 साल के बाद खत्म हो गया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर गौतम नारायण से शादी कर ली और 2004 में उनकी एक बेटी हुई जिसकी नाम है प्रज्ञा नारायण। नंबर 10, कारगिल वार में इतनी महत्वपूर्ण काम करने के लिए गुंजन सक्सेना को कारगिल गर्ल भी बुलाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने गुंजन सक्सेना की लाइफ के बारे में सारे बातें इन 10 पॉइंट्स के अंदर कवर अप करने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।